हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आपका जो पैन कार्ड है वह आपने अप्लाई करवाया था लेकिन आपको बाय पोस्ट आपको नहीं मिला है, और उसके अलावा आपका पैन कार्ड कहीं खो गया है या फिर टूट गया है, ख़राब हो गया है, तो आप उसको दोबारा रिप्रिंट कैसे कर पाएंगे। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो आपको भी इस वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको वीडियो बड़ी आसानी से समझ आ सके। दोस्तों आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना है पैन कार्ड रिप्रिंट NSDL। दोस्तों ये लिखकर आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं, आपके सामने यहां पर फर्स्ट लिंक आपको दिखाई दे रही है, रिक्वेस्ट फॉर रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं, आपके सामने यहां पर एक फॉर्म खुल के आ चुका है। अब दोस्तों आपको यहां पर कस्टमर का या अपना जो पैन कार्ड नंबर है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका आधार नंबर फिल कर देना है। यहाँ पे आपको आपका जो मंथ है आपको यहाँ पर वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एयर ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पर आपका जो एयर और बर्थ है आपको यहाँ पर वो सर्च कर लेना है। जैसे कि आपका बर्थ है 1995, तो आपको यहाँ पर 1995 ही आपको यहाँ पर टाइप करना है, कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आना है नीचे, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये चेक बॉक्स का जो बॉक्स है आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद में और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैप्चर, आपको यहाँ पर ये कैप्चर इस बॉक्स में फिल कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सब कुछ फिल कर लेता हूँ, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर सब कुछ फिल कर लिया है, और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैप्चर, यहाँ पे हम कैप्चर को यहाँ फिल कर लेते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पर करना है सबमिट। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और आपका जो फ्लैट डोर, आपका जो आपका एड्रेस है वो आपको सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेलेक्ट फ्रॉम बिलो ऑप्शन फॉर रिसीव OTP, आपको यहाँ पर इस लास्ट में देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन बोथ का, आपको इसके ऊपर टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको आई एग्री पे इस बॉक्स को चेक कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका जो मेल आईडी है, दोनों पे आपके पास OTP आएगा, तो आपको यहाँ पर उस OTP को फिल कर देना है। दोस्तों यहाँ पर OTP आ चुका है, और उस OTP को मैंने यहाँ पे फिल भी कर दिया है। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वैलिडेट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, आप देख पा रहे हैं मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पे आपको दो मोड पेमेंट का मिला हुआ है, जो कि आपका फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। फर्स्ट वाले में आप UPI के माध्यम से डायरेक्ट यहाँ पर अपना जो पेमेंट है उसको आप यहाँ पर कन्फर्म कर पाएंगे, और सेकेंड है आपका जो ऑनलाइन पेमेंट, यह आपको नहीं करना है दोस्तों, आपको फर्स्ट वाला ही करना है। और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर 50 रुपये का
जो पेमेंट है आपको यहाँ पर वो करना होगा। और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे की ओर, आई एग्री टू द टीम ऑफ सर्विस। आप यहाँ पर इस बॉक्स को चेक कर देना है और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कंफर्म पेमेंट, आपको यहाँ पर अपना पेमेंट है वो कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ पे आपको इस ट्रांजैक्शन आईडी को अपने पास नोट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पे कंफर्म, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओपन विथ पेमेंट पेटीएम, यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर आपके फ़ोन में पेटीएम है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली पेटीएम के माध्यम से इस पेमेंट को आप डायरेक्टली पेमेंट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर पेटीएम के माध्यम से कर लेता हूँ। अगर आपके पास पेटीएम नहीं है तो आप यहाँ पर अदर मोड का ऑप्शन ले सकते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर क्रोम का, जिसके माध्यम से भी आप यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से आप यहाँ पर अपना पेमेंट पे कर पाएंगे। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ जस्ट वन पे। दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी पैन कार्ड है तो मैं यहाँ पर इसको पेमेंट नहीं करूँगा। दोस्तों जब आप अपना पेमेंट कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका एक रिसिप्ट आपको मिल जाएगा, उस रिसिप्ट को आपको संभाल कर रख लेना है। और दोस्तों आपका जो पैन कार्ड है 8-10 दिन के अंदर आपका एड्रेस पर आपका पैन कार्ड आपको बाय पोस्ट आपको मिल जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर।